तो देखिए जो वाटर आपको आ रहा था ओशियन के थ्रू, आपको वाटर वेपर के थ्रू, जब इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के थ्रू पेड़ के पत्ते के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रहा था, और इधर इवेपोरेशन होके जो वाटर आपको एयर में आ रहा था, तो वो वाटर कहाँ जा रहा है, वहां से वो वाटर कहाँ जा रहा है, ठीक है, सवाल उठता था। तो अब देखिए कि हाउ आर क्लॉट्स फॉर्म, कैसे क्लॉट फॉर्म्स हो रहा है। देखिए वाटर वहां से खत्म नहीं हो जाता, वाटर वाटर साइकिल पड़ रहा है, तो वाटर वो फिर से हम लोग बैक पाते हैं। देखिए कैसे पाते हैं, सपोज कीजिए कि जो वाटर आपका एयर में आया, वाटर वाटर वेपर हो गया, एयर में जब आया तो वाटर नहीं रहा, वाटर वेपर हो गया, तो वाटर से वो क्या हो गया, इवेपोरेशन हो गया, वाटर वेपर बन गया, तो एयर में वो प्रेजेंट है वाटर वेपर। तो अब देखिए मान लीजिए कि एक बीकर लीजिए, और बीकर के जो ऑड पोर्शन है, जो ग्लास का ऑड पोर्शन, ग्लास लीजिए तो बाहर वाला जो उसका पार्ट है ग्लास का, वो साफ कर दीजिए और उसमें वाटर रखे, ऊपर आइस रख दीजिए, तो जो सराउंडिंग में एयर है, तो क्या होगा कि आप देखिए कुछ देर के बाद ना, ये जो आप आपका ग्लास का बाहर का सरफेस पे छोटा छोटा ड्रॉपलेट आ जाएगा, वाटर का ड्रॉप आ जाएगा, ड्रॉप ऑफ वाटर अपीयर होगा उन वाटर सरफेस ऑफ ग्लास पे। क्यों होता है, क्योंकि वाटर वेपर जो है एयर में, वो क्या होता है, अपना एनर्जी को लूज करके ये कहाँ चला जाता है, ये जैसे ये आइस है, तो ये आइस क्या करेगा, हीट को लेगा, और हीट को लेकर ये पिघल के पानी बनेगा, और तो ये क्या क्या हीट लिया और पानी में आ गया, यानी ये आइस से क्या हो गया, वाटर बन गया, सॉलिड से क्या हो गया, लिक्विड में आया, और वो वाटर वेपर जो था, वेपर फॉर्म में जो था, वो क्या हो गया, वो वाटर बन जाएगा, ठीक है, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप यहाँ पे, तो वो अपना एनर्जी लूज करके ये बन गया। तो यहाँ से इस प्रोसेस से आप क्या देख रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन का प्रोसेस है, कि वाटर वेपर से अगर वाटर बन जा रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ जा रहा है वाटर वेपर से, तो वही तो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। यदि प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्ले करता है एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, इवेपोरेशन से क्या हो रहा था, कि वाटर से वो चला जा रहा था वाटर वेपर बन के एयर में, अब वो कहां चला गया, ठीक है, ओशियन से हो रहा है इवेपोरेशन, हो रहा है कंटिन्यूअसली, हो रहा है कंटिन्यूअस प्रोसेस है पड़े, तो ये क्या हो रहा है, वाटर वेपर आपका वाटर वेपर एयर में बन जा रहा है। तो अब वो बैक जो होता है वो कंडेंसेशन के थ्रू हो रहा है, दी प्रोसेस कंडेंसेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट, तो कंडेंसेशन के थ्रू कैसा हो रहा है, कंडेंसेशन देख लिए, उससे बैक पा रहा है। अब देखिए जैसे अर्थ सरफेस जो है, देखिए वाटर वेपर क्या है, कंडेंसेस कंडेंस करेगा टू फॉर्म टीनी ड्रॉप ऑफ वाटर, उसी को ड्रॉपलेट बोलते हैं। ड्रॉपलेट क्या होता है, कि जब जैसे ही वाटर वेपर है एयर में, तो वो वाटर वेपर क्या होगा, कंडेंस होकर क्या करेगा, टीनी छोटा छोटा वाटर का ड्रॉप्स बनाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट्स हो गया। तो दिस टीनी ड्रॉपलेट दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर टू एज ए क्लॉट, तो ये जो छोटा छोटा ड्रॉपलेट जो होता है वो हमेशा फ्लोट करते रहता है एयर में, ठीक है, दैट हमेशा वो फ्लोट करते रहेगा एयर में, और वही अपीयर एज ए क्लॉट होता है। कैसे क्लॉट अपीयर होता है, देखिए आप कैसे वो कैसे कंडेंस होके जो एयर में हमारा जो वाटर वेपर के फॉर्म में, जो एयर में वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है, वो क्या है कि जैसे जैसे कूल, जब वो जब देख रहे हैं यहाँ पे ठंडा, जैसे ही वो ठंडा होता है तो एनर्जी को लूज करके क्या करता है, वाटर बन जाता है, तो वाटर का वो छोटा छोटा ड्रॉप बन जाता है, वही ड्रॉपलेट जो होता है क्या होता है, यही ड्रॉपलेट जो होता है रिमेन फ्लोट, हमेशा एयर में फ्लोट करते रहता है, वही लगता है कि क्लॉट। अभी क्लॉट मतलब सिर्फ यही नहीं होता, लेकिन क्लॉट मोटा मोटी आप समझिए 6 क्लास के हिसाब से यही क्लॉट है, ठीक है। जैसे क्या होता है, अगर अर्थ सरफेस पे आप जमीन पे हैं, ग्राउंड पे हैं, तो ग्राउंड से जैसे जैसे ऊपर जाइएगा ना, तो एयर क्या होता है, कूल होते चले जाता है, तो नीचे में आपको हॉट मिलेगा, जैसे ऊपर जाइएगा इसे पढ़ने के लिए, कि ऊपर आप जाते हैं ट्रोपोस्फेयर स्टार्टो ऐसे करके है, मेसो 100, तो उसमें क्या कितना जाने पे क्या टेम्परेचर, सब आगे बताया जाएगा, जो अभी जो मोटा मोटी बताया जा रहा है वो सब दिमाग में आप रखिए। तो इतना बस समझने की कोशिश ये है कि ऊपर जाइएगा तो टेम्परेचर क्या होता है, ड्रॉप करता है, तो वो कूलर होते जा रहा है, ऊपर जाने पर कूल होते जा रहा है एयर, तो एयर जैसे कूल होते जा रहा है, तो वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, इससे कूल होने से क्या होता है, वो अपना एनर्जी लूज करके क्या हो जाएगा, वाटर वेपर से वाटर ड्रॉप बन जाएगा, छोटा छोटा वाटर में आ जाएगा, मतलब वो छोटा छोटा ड्रॉप बन जाएगा, तो वही ड्रॉप जो होता है ना, वो छोटा छोटा ड्रॉप जो होता है, वो ड्रॉपलेट जो होता है, वही तैरते रहता है हवा में, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो क्लाउड है। मिनी ड्रॉपलेट जो होता है वो क्या होता है, अगर लार्ज साइज ड्रॉप ऑफ वाटर, बहुत सारे ड्रॉपलेट छोटे छोटे मिलकर बहुत बड़ा साइज बन गया वाटर का, और यही जब और ज्यादा हैवी हो जाता है तो वही गिर जाएगा, फॉल कर जाएगा, तो फॉल आइए कैसे होता है, तो बारिश जो होता है वही होता है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है तो फिर वो गिर जाता है, फॉल होता है, रेन की तरह बारिश होने लगता है, स्नो भी हो सकता है, कभी कभी वो पानी के फॉर्म में आ रहा है तो रेन हो रहा है, अगर सॉलिड फॉर्म आपका छोटा छोटा आइस के फॉर्म में लग गया तो वो क्या हो गया, स्नो हेल हो गया। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन ट्रांसमिशन के थ्रू क्या हुआ था कि वाटर वेपर जो था, वाटर जो प्रेजेंट था वो क्या हो रहा था, वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर वेपर बन जा रहा था इवेपोरेशन या ट्रांसमिशन के थ्रू, और यही जो है ऊपर जब जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, बहुत ऊपर जब चला जाता है तो यही वाटर वेपर कूल होकर फिर क्या हो जाता है, क्लाउड के फॉर्मेशन लेता है, जो आपको यहाँ ऊपर देखा है। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सर्फेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियन, ओशियन का जो लेवल है हमेशा, जितना भी लैंड सर्फेस आप देखेंगे दिल्ली मुंबई, जितना भी लैंड सर्फेस जो होता है सॉलिड वाटर सर्फेस, वो हमेशा आप देखेंगे तो ओशियन से वो सब ऑलमोस्ट सब जो है क्या है, एबव लेवल से। एक बताया जाता हुआ कि बिहार कितना भी सिचुएटेड है,
65 मीटर ऑफ द ग्राउंड ऑफ द ओशियन सी लेवल। तो ये जो बोला जाता है ना, तो जितना भी 765 नहीं है, मैं आपको एक रफली बता, मतलब ये बता रहा हूँ कि जितना भी है तो कुछ बताया जाएगा कि एक वैल्यू होता है कि हाँ ये लैंड ओशियन से इतना ओशियन से इतना के ऊंचाई पे है, ठीक है। तो माउंटेन्स जो है, माउंटेन्स क्या होता है, ये एक फैक्ट है, ये सब आपको मालूम है, अभी इतना ही आपको मालूम करना है, ठीक है। जो फैक्ट बता रहे हैं वो सब ध्यान रखिए। माउंटेन्स क्या है कि स्नो, माउंटेन्स में क्या होता है कि जो जितना बर्फ है ऊपर ऊपर जाते हैं तो कूल होते चलता है। तो माउंटेन्स बहुत ऊंचाई पे है, 88-50 मीटर है अपना। तो ये जो माउंटेन्स आपका है, कौन सा माउंटेन्स का 88-50 मीटर है बताइए। तो अभी उस वो टॉपिक है क्या मेरा है? कि हिमालय माउंटेन का है, कि काराकोरम पर्वत है, बहुत सा पर्वत होता है, धौलागिरी का है। तो अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि माउंटेन्स है तो बहुत ऊंचाई पे चले गए, तो अब क्या हो गया कि वहां पे स्नो का फॉर्मेशन हो गया, मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, आपको स्नो के फॉर्म में दिखेगा, आइस दिखेगा, वहां जम जाती है चीजें। तो वो जो मेल्ट करता है, वो क्या, जब वो मेल्ट करेगा ना तो वो वाटर के फॉर्म ले लेता है। माउंटेन्स में जो स्नो है अगर हीटेड हुआ तो मेल्ट करके वो वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ही वो वाटर के फॉर्म में आएगा तो एक स्ट्रीम या रिवर के थ्रू वो बहना स्टार्ट हो जाएगा, और वो या तो सी में या ओशियन में चला जाएगा या फिर लेक में चला जाएगा, ठीक है, ये चीज होता है। तो अब देखिए, तो हम लोग देख रहे हैं ना कि वाटर जो है वो बैक भी हो रहा है। वाटर बैक कैसे होगा, पहले ये सारा प्रोसेस होके वहां गया, फिर वहां से क्लाउड बन के बारिश होके नीचे आ गया, ठीक है। माउंटेन्स में स्नो देखे तो ये स्नो पिघला तो ये कहां गया, रिवर या सी क्लाउड में फिर चला जाएगा, फिर वो पूरा प्रोसेस होगा, फिर क्लाउड बन के फिर आ जाएगा। तो रेन वाटर, लेकिन इसके प्रोसेस में ये तो हो रहा है, लेकिन देखिए क्या दिक्कत होगा बताते हैं आगे। रेन वाटर जो है सम ऑब्जर्व होगा बैकग्राउंड, जैसे अगर बारिश होती है तो कुछ रेन वाटर जो होता है ग्राउंड के थ्रू ऑब्जर्व हो जाएगा, तो ठीक है। तो वो एक हेल्पफुल होगा हमको क्या, ग्राउंड लेवल जो बोरवेल जो ग्राउंड वाटर को मेंटेन करने के लिए हमको क्या होगा, हेल्पफुल होगा। बोरवेल करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल देखते हैं कि कहां ग्राउंड वाटर है। अगर बहुत नहीं है ग्राउंड वाटर, बहुत ज्यादा कोई एरिया लोकेशन में अगर इस्तेमाल हो रहा है वाटर का, तो वहां पे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर और नीचे चल जाएगा, आपको और ज्यादा डिग करना पड़ेगा, और ज्यादा खोद के उसको हैंडपंप को नीचे बोरवेल और ज्यादा मतलब नीचे फिट पे करना पड़ेगा, तब ताकि वहां से वाटर अवेलेबल हो। तो ज्यादा इस्तेमाल होने से ग्राउंड वाटर और नीचे चला जाता है। अगर मान लीजिए रेन वाटर कहीं बारिश हुआ, ठीक, और वो ग्राउंड में नहीं गया, चला गया कहीं, मान लीजिए कि आपको कंक्रीट वाला है टॉप लेयर ऑफ द सॉयल अवे कर जाता है फ्रॉम इट से, मान लीजिए कि अगर रेन हुआ तो जो सॉयल है मिट्टी है उसका जो टॉप लेयर है जहां पे हम लोग ग्रो करते हैं कोई कोई धान उपजा रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है, पोटास नाइट्रोजन जो भी चीज उसके लिए जरूरत है, तो जो वो जो जरूरत है ना वो हट जाता है उसका टॉप लेयर ऑफ सॉयल रेन वाटर से, वो क्या होता है उसको लेके उड़ जाता है, ठीक है, लेके बह जाता है साथ में। कंक्रीट कन्वर्ट कवर्ड, अगर मान लीजिए कोई लैंड कवर्ड है कंक्रीट से, ठीक है, कंक्रीट कवर्ड लैंड इस्तेमाल करने वाला वाटर नहीं है ना, साल्टी वाटर है, तो देखिए क्या प्रॉब्लम होता है। वाटर साइकिल क्या होता है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस लिखवा दिए, वाटर फ्रॉम द ओशियन, ओशियन से ओशियन वाटर जो होता है कहाँ से, ओशियन से एंड सरफेस ऑफ अर्थ से, अर्थ के सरफेस से या फिर ओशियन से, उसका वो जो वाटर होता है वो कहाँ चला जाता है, गोज इनटू एयर एज वेपर, वेपर के फॉर्म में वो एयर में चला गया, ठीक है। वेपर का वाटर वेपर बन गया, पहले लिक्विड में था वाटर और वाटर वेपर यानी वो वाटर वेपर बन गया, गैस के फॉर्म में चला गया वहां, रिटर्न एज रेन, फिर वो रेन के थ्रू हुआ था, कैसे क्लाउड बन गया, वो रेन के थ्रू आ जाएगा, कैसे हुआ बताया, ऊपर जाता है इस तरह से प्रोसेस, या रेन के थ्रू आया फिर वापस, या हेल के थ्रू या स्नो के थ्रू आ जाएगा फिर वो वापस आ जाता है, एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशियन, और फिर वो ओशियन में चला जाएगा, फिर कहाँ चला जाएगा, वो ओशियन में चला जाएगा या फिर नीचे आपका ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा तो फिर तो ऊपर ही नहीं जाएगा, तो बेसिकली जो ओशियन में चला जाता है या फिर जो रिवर में, तो बेसिकली वो तो फाइनली ओशियन में जाएगा, जो भी रिवर में जा रहा है या फिर आपका नाली में जा रहा है, नाली रिवर वो सब बेसिकली फिर फाइनली जाते जाते डिस्टेंस कवर करते करते तो कहां चला जाता है फाइनली ओशियन में चला जाता है। तो यही जो सर्कुलेशन हो रहा है वाटर का इन दिस मैनर, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली, कहीं पे मान लीजिए कि रेन्स बहुत ज्यादा होने स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, देखिए फ्लड आ जाएगा। अगर बहुत ज्यादा रेन होगा तो आपका पानी 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 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्लड बोलते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा आ गया आपका रेन, जब पानी इकट्ठा बहुत ज्यादा हो जाता है तो फ्लड हो जाता है, ठीक है। क्रॉप फील्ड जो होता है विलेज वाला मे गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर, अगर विलेज वगैरह आपका है, गांव वगैरह है, क्रॉप फील्ड है, आप जहाँ पे धान उगाए हैं, जो भी खेती वगैरह किए हैं, तो वो सारा वाटर से क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, तो सारा एरिया वाटर से डूब गया, फ्लड हो गया, फ्लड आ गया, ठीक है। तो एक्सटेंसिव डैमेज ही करेगा, तो ये ज्यादा अच्छा भी नहीं है कि ज्यादा हेवी रेन हो, वो भी प्रॉब्लम है।
ठीक है. तो व्हाट हैपेंस इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अगर बहुत समय तक रेन ना हो, बारिश ना हो, तो भी प्रॉब्लम है, सुखाड़ जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा, पानी रहेगी नहीं, पानी नहीं रहेगी तो आप जितना देखे थे शुरू में बताया आपको इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या चीज है, विदाउट वाटर क्या लाइफ है पॉसिबल, पीना है आपको, खाना है, सब कुछ बनाना है, नहाना है, तो सारे चीज के लिए वाटर की जरूरत होती है. अगर नहीं रहेगा वाटर तो भी आप प्रॉब्लम में जाइएगा. इंडस्ट्रीज के लिए वाटर की जरूरत है, उससे बहुत सा सामान बनता है, अगर वाटर ही नहीं है तो सारी चीजें प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी, तो लाइफ बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम सेवियर लाइफ हो जाएगा, सर्वाइव करना बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाएगा. ठीक है, तो वो सुखाड़ ला देंगे. हाउ कैन बी कंजर्व वाटर, अब बात ये भी होता है हाउ कैन बी कंजर्व नहीं क्या, तो हम जरूरी है कि कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं वाटर को. बात सही है, मान लीजिए अगर हम वाटर को कंजर्व नहीं कर रहे हैं तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, अगर नहीं हुआ, क्योंकि सारा किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वाटर होना ना होना ये सब आगे बताएंगे, तो सब भी चीज़ डिपेंड करता है जो जियोग्राफिकल सिचुएशन कंडीशन पे, किस तरह से आप अर्थ पे अपना इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारा चीज़ बहुत सा फैक्टर है, वो यहाँ पे नहीं डिस्कस करना है. तो हाउ कैन बी कंजर्व वाटर, तो आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो छोटा सा एक देख लीजिए कैसे कर सकते हैं आप कंजर्व. द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ रिमेंस द सेम, देखिए यही चीज आपको बताने की कोशिश करते हैं कि द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ रिमेंस द सेम. इस सारे प्रोसेस में क्या होगा, हमेशा आपके अर्थ पे टोटल अमाउंट है जो 75% हमेशा सेम रहेगा, बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज वेरी लिमिटेड. लेकिन हमारा जो वाटर यूज करने के लिए अवेलेबल है वो बहुत लिमिटेड है. कैसे लिमिटेड है देख रहे होंगे आप, साल्टी वाला तो हम तो ओशियन सी से कर नहीं सकते हैं, तो हम करेंगे कहाँ से, जो हमारा रिवर वगैरह में जहाँ पे साल्टी नहीं है. तो ये जो प्रोसेस होगा, तो हर प्रोसेस हो गया, अगर मान लीजिए कि हम इस प्रोसेस के थ्रू ग्राउंड वाटर में रेन वाटर सारा कुछ हो रहा है, फिर हम बैक कैसे पा रहे हैं, रेन के थ्रू तो रेन हो रहा है. अगर रेन हुआ और वो ग्राउंड में नहीं गया, फिर वो नाली और नाली के थ्रू आपके छत से नाली में गया, नाली के थ्रू आपका रिवर में गया, छोटा सा पॉन्ड में गया, रिवर में गया, लेक ऐसे जाते हुए वो चला गया कहाँ, फिर फाइनली अगर ओशियन में चला गया तो फिर साल्टी हो गया, तो वो इस्तेमाल लायक है नहीं. तो इस्तेमाल लायक है नहीं, तो वो चीज दिक्कत हो गया. अगर अगर वो नीचे अर्थ में जा रहा है तो फिर वो आप बोरवेल करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइंड करके कि कहाँ ग्राउंड लेवल पे वाटर है कहाँ नहीं है. लेकिन वही यहाँ पे है कि द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ हमेशा तो सेम हो रहा है, बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज वेरी लिमिटेड. लेकिन वाटर जो अवेलेबल हो रहा है यूज के लिए बहुत लिमिटेड है, एंड डिक्रीजिंग कर रहा है विद ओवर यूजेज, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है इस हिसाब से भी क्या हो रहा है, ओवर यूजेज से वो चीजें क्या हो रहा है और कम होते जा रहा है. पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है और सामान बन रहे हैं, उसके हिसाब से उनको यूज करने के लिए चीजें चाहिए, हर तरह का चीज जो बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो वहां पे उसका कंजप्शन के लिए वीट वगैरह और ज्यादा फसल को उगाना है, तो और फिर तो वाटर कहीं ना कहीं लैग हो जा रहा है ना पॉपुलेशन की वजह से, देख रहे हैं. तो दूसरा है कि हमको उसको वाटर को कंजर्व करना सही रहा है, तो कंजर्व करना चाहिए. तो रेन वाटर को देखिए, एक प्रोसेस है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो यूज करिए. एक तो आप कंजर्व करने का दो तरीका है, या तो आप कंजर्व करने का मतलब क्या है कि चीजों को बचाइए, तो आप तो केयरफुली यूज करके भी कर सकते हैं, वेस्ट ना कीजिए उसको, ठीक है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, कलेक्ट करना है आपको रेन वाटर एंड स्टोर करना इट फॉर लेटर यूज. आपको कंजर्व ये कलेक्ट कर लीजिए रेन वाटर को और स्टोर कीजिए आप लेटर यूज के लिए, ये इस तरह से कर सकते हैं. और रेन वाटर हार्वेस्टिंग में दो तरह का होता है, रूफ टॉप भी होता है. रूफ टॉप के तरह से क्या कर सकते हैं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जो आपका बारिश हुआ, छत पे आया बारिश, तो आप वो छत पे आके वो सीधे नाली में जाके रिवर में जाते हुए ओशियन में अगर चला गया तो यूज लाइक है नहीं, यूज लाइक नहीं है मतलब उसका फिर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा उसको इस्तेमाल करने के लिए, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग है. इस नीचे जो ग्राउंड में जा रहा है वो भी डायरेक्ट यूज नहीं करते ना पीने के लिए, अभी तो बहुत कुछ कंटामिनेशन देखे आगे आएगा सब कुछ बताएंगे, आर्सेनिक वगैरह उसमें रहता है, तो बहुत तरह का, तो उसको भी. लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है जो ग्राउंड वाटर होता है उसको हम लोग यूज इजिली कर सकते हैं, उतना ज्यादा उसमें आपको प्योरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है. तो जैसे रूफ टॉप में क्या होता है, तो इसमें बेसिकली यही होता है कि क्या होता है कि अगर रेन हुआ तो कॉन्क्रीट पे किसी भी, जैसे आपका छत्ता क्या चीज का बना हुआ है, कॉन्क्रीट का, तो यहाँ से तो ग्राउंड में ये ऑब्जर्व नहीं होगा ना ग्राउंड में, तो ये नीचे जाएगा नाले में, कहीं हुआ ऑब्जर्व कहीं नहीं हुआ, तो बेसिकली ऑब्जर्व करवाना है ग्राउंड को. तो हम लोग क्या करेंगे, दी पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू द पीट. तो इस ऐसा कीजिए कि वो कहीं आप मिट्टी उट्टी वाला सॉइल वाला एरिया में या कहीं ऐसा गड्ढा खोद दीजिए जहाँ कंक्रीट ना हो, ताकि वो क्या हो वहाँ पे वाटर स्टोर रहेगा, तो इवेपोरेशन हो भी इससे भी उड़ जाएगा और प्लस वो बेसिकली कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा वो. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं पीट में, सॉइल वाले पीट में, ताकि वो कंक्रीट ना रहे वहाँ, तो वो सीप करके नीचे सॉइल में चला जाए, तो उससे क्या होगा ग्राउंड लेवल पे वाटर आपका मेंटेन रह पाएगा. तो इस तरह से ये चीज किया जाएगा, अगर डायरेक्ट कंक्रीट पे गिर जाएगा तो फिर वो
फाइनली क्या होगा, कंक्रीट पे ही रहेगा, फिर वाटर फिर आपका नाली में जाएगा, फिर आपका कहाँ जाएगा, रिवर वगैरह इस तरह से होते हुए, छोटा रिवर बड़ा रिवर होते हुए आपका सी ओशियन में, सी से होते होते ओशियन में चला जाएगा, तो फिर वो क्या होगा, वाटर में प्रॉब्लम होगा या फिर वहाँ साल्टी आ जाएगा, तो ग्राउंड लेवल का वाटर फिर क्या होगा, मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो जो जरूरी है, अगर धीरे ओवर टाइम क्या हो रहा है, यूज से भी ग्राउंड लेवल वाटर क्या हो रहा है, आपका नीचे भागते जा रहा है। आपको आप जब बोरवेल कीजिएगा तब देखिएगा, पहले आप सुनते हुए कि 100 फीट पे पानी आता था, तो हमें एग्जांपल दे रहे, जरूरी नहीं है कि 100 फीट पे आता है, 70 फीट पे आता है, कोई जरूरी नहीं है। तो वो आपका अब और डाउन जा रहा है, और अब और ज्यादा आपको डिग करना पड़ रहा है, डीपली डिग करना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें हैं। तो ये बेसिक आपको कंसेप्ट वाटर में दिए, जो सिक्स क्लास चैप्टर 14th में जितना नीट था उतना मैं आपको बताया हूँ, रिलेट करने की कोशिश किया हूँ, होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर को लेकर नेक्स्ट क्लास में।